एवरीवन, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सभी ब्लॉग में आप लोग का बहुत सारा स्वागत है, मीन्स बहुत सारा वाला वेलकम है। तो आज हम लोग जा रहे हैं कहाँ पे, तो आगे मैं आप लोग को बताती हूँ कहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। ये बाबू का हैप्पी बर्थडे वाला है, तो चलो वीडियो में बने रहो और मैं चलती हूँ। कहाँ पर चल रही हूँ आप लोग को मैं दिखाती हूँ कहाँ पर चल रही हूँ। इनको तो छुट्टी नहीं मिली जाने के लिए और मैं और बाबू दोनों लोग जाएँगे, तो चलो जाके आती हूँ मैं चल के। और लाइट बंद कर दें, लाइट बंद कर दें और घर को भी लॉक कर दूं। आज था बाबू का मैथ का पेपर और पेपर ख़त्म हो गया, तो उसको भी मिलना था किसी के साथ में, तो मिलवाऊंगी मैं आप लोग को आगे चल के, मिलवाऊंगी भी और दिखाऊंगी भी। तो चलो ये लॉक लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं मिलती हूँ आप लोग से रास्ते में। ये मैं और बाबू बैठ गए ऑटो में और उसके बाद हम लोग जा रहे हैं, और कहाँ चल रहे हैं आप लोग को दिखाती हूँ। हमारी आंटी हैं, वो हम लोग का वेट कर रही हैं। कल फ़ोन की थी, बहुत दिन हो गए, करीब एक महीने हो गए मुझे गए हुए आंटी के घर पे, और मैं जा नहीं पाई, तो मुझे लगा चलो ठीक है, आंटी भी नहीं आ पाई, वो तो पता नहीं नहीं आ पाई, फिर भी मुझे लगा मैं ही जाके आ जाती हूँ। तो चलो आगे मिलती हूँ मैं आप लोग से वीडियो में। फाइनली आ गई और मैं मिलती हूँ आंटी से, तो आप लोग को भी मिलाती हूँ, देखती हूँ। तो हाय हाय, खड़ी हो जा खड़ी हो जा, मिलने आज। और मैं भी, और ये देख लो, ये इसको, इस बच्चे को देख सकते हो आप लोग, मतलब हाय बोल, हाय बोल टफी, हाय बोलना, हाय। और मैं आप लोग को अपनी आंटी से मिलाती हूँ, जितने लोग हैं सबको देख सकते हो, मैं आंटी से मिलाती हूँ। आंटी ये देखो, ये रही मेरी आंटी, ये देखो आप लोग को भी मिला देती हूँ, सभी लोग मिला, ये देखो। तो आ गई मैं फाइनली आंटी के घर और मिल ली। कितना मस्त से गुन्नू खेल रहा है इसके साथ में, आप लोग देख सकते हो, ये या देखो, ए हाय कर लो, हाय लड़की, हाँ तू भी अले हाय कर ले, टफी हाय बोल, टफी हाय बोल, टफी हाय, हाय टफी कर ना, वो गुस्सा है, धन्यवाद। इधर पे आंटी ने बोला लड्डू गोपाल को उठा दो, तो मैंने बोला चलो ठीक है मैं उठा देती हूँ। चाय हम लोगों ने पी ली थी कि नहीं पी थी, सासे नहीं पी थी, और फिर मैं लड्डू गोपाल को उठा रही थी, आंटी ने बोला तीन बार ऐसे ताली मार के ऐसे तब जगाना, मैंने बोला ठीक है आंटी। फिर मैं इनको ऐसे उठाई और उठाने के बाद बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं इसकी प्रशंसा ही नहीं कर सकती कि कितना अच्छा लगा ये करना, मतलब इनको जगाना, इनका सिंगार करना बहुत सुंदर लगा। अब क्या ही बताऊँ मैं, मैंने पहली बार ऐसा इनका कुछ सिंगार किया और बहुत अच्छा लगा, और आंटी ने मुझे ये करने दिया, करने नहीं दिया, आंटी ने खुद बोला कि जाओ सोनी तुम भगवान जी को जगा दो, और जगाने के बाद, और इतने सुंदर लग रहे थे, तो मैं इनकी नज़र भी उतार जा रहे हैं नीचे, आंटी मेरे को छोड़ने जा रही है, बहुत इंजॉय किया और बहुत मस्ती की हम लोग, और आज जा रहे हैं, पूरे दिन पर बिजी थे, मैंने कुछ भी सूट नहीं किया, जितना आने तक सूट किया था, अब जाने के लिए सूट कर रही हूँ, क्योंकि बहुत दिन बाद आंटी से मिली, ठीक है बाय। इधर पर मैं इनको बाबू को ऑटो स्टैंड पर खड़ी थी, तो इधर पर इन्होंने बोला मेरे को मिल्क शेक पीना है, मैंने बोला चलो पी लो आप भी, तो बोले चॉकलेट लेना है, मैंने बोला चॉकलेट तो नहीं लूँगी, मिल्क शेक पी लो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह का टाइम है, तो मैं बना रही थी पोहे, और पोहे बनाने के लिए ये सारी सामग्री मैंने ले ली है, और पहले मैंने डाल दिया ऑयल उसमें, और उसके बाद ये मैंने डाल दिया है इसमें मूँगफली, और मूँगफली अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, थोड़ा सा पक जाएगी, तब तक मैं इधर अपने लिए ग्लास में पानी गर्म निकाल लेती हूँ पीने के लिए, सुबह सुबह का टाइम है, होता है ना कि मेरे को सुबह गर्म पानी पीने की आदत ही है बहुत दिनों से, ये करीब 10-12 साल से, और मेरे को सुबह का गर्म पानी चाहिए ही चाहिए, तो दिन भर नहीं पीती हूँ, सिर्फ सुबह में ही पीती हूँ। तो ये मूंगफली मेरी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, इसको मैंने निकाल लिया है, और इसके बाद इसमें डाल दूँगी मैं थोड़ा सा राई,
ये इधर पेराई रखी हुई थी, तो मैं लेने के लिए इधर ले रही थी। और ये देख सकते हो आप लोग, इसमें मैंने राई डाल दिया थोड़ी सी, और ये मैंने दो कटी हुई मीडियम साइज की प्याज डाल दी और मिर्ची डाल दी हरी 4-5। क्यों डाल दी? क्योंकि ये हरी मिर्च इतनी बड़ी बड़ी डालती हूँ ना, तो वो साइड में कोई भी निकाल के रख सकता है। ऐसे छोटी छोटी डालने से ऐसे खाने में अगर चली जाती है तो हम लोग तीखा बहुत कम खाते हैं। और इधर मैं चाय भी बना लेती हूँ फटाफट। चाय में तो आपने देखा चाय पत्ती, चीनी और जो भी डालना था वो सारा सब कुछ डाल दिया। इसमें कड़ी पत्ता थोड़ा सा डाल दिया, और थोड़ा सा मैं इसमें डाल देती हूँ हरी मटर, और इसको अच्छे से सॉफ्ट होने तक भून लेती हूँ। फिर उसके बाद जो है इसको अच्छे से भून लिया मैंने। ये मेरी गैस में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ऐसे बंद करती हूँ तो ऐसे लगता है पूरा बुझ जाती है। और ये देखो इसमें मैंने डाल दिया हल्दी, हल्दी मेरे डब्बे में ख़त्म हो गई थी तो कोई नहीं। और उसके बाद इसमें मैंने डाल दिया नमक और चीनी, अपने स्वाद अनुसार आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इधर मेरा पोहा बन के रेडी हो गया। इसमें मैंने डाल दी वो मूँगफली जो फ्राई करके रखी थी और धनिया पत्ता। और अब देखो ये रहा वो पोहा और चाय जिसको करना है। आ जाओ। हेलो एवरीवन, तो मेरा सारा काम फिनिश हो चुका है, मतलब मैंने सारा काम कर लिया है। और आपने नाश्ते में देखा ही मैंने क्या बनाया, पोहा और चाय। और आज बाबू का एग्जाम नहीं है तो कुछ भी, इसको स्कूल नहीं जाना है, तो मुझे लगा इनके टिफिन के लिए मैंने बनाया था रोटी और सब्जी, और उसके बाद जो है और मैंने बनाया था पोहा और चाय नाश्ते में। और उसके बाद वो सारा मैं करके पोहा और चाय आप लोग को दिखाया, और वो जो था वो नहीं दिखा पाई क्योंकि जल्दी जल्दी का काम हो जाता है। तो कितने लोग के साथ ऐसा होता है, क्योंकि फटाफट का काम होता है तो बहुत मुश्किल होता है, और नहीं कर पाई, नहीं दिखा पाई आप लोग को। तो चलो कोई नहीं, जितना बन पड़ा उतना मैंने दिखाया। और ये कल से ब्लॉग चल रहा था क्योंकि मैं आंटी के घर गई थी, तो वहाँ से शूट किया तब से। और अब इस वीडियो का करती हूँ यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। एक लाइक आपका और हमारे लिए कितना हमको मोटिवेट करता है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को ज़रूर पसंद आई होगी ये वीडियो। तो चलो बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नई वीडियो के साथ और कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक वेट करिएगा, ठीक है।